यहाँ पे पेटकर घरगुती भोजनालय है, और पेटकर घरगुती भोजनालय में हम लोग ज़रा चाय पीने के लिए ब्रेक लिए हैं, चाय पी लेते हैं। हाँ, उसके बाद अगले पड़ाव पे पुलिस से नियर अबाउट 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे अंदारले में कड़ावरचा गणपति, ये बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थान है। यहाँ पहले जाने के लिए जोग नदी जो है उसको क्रॉस करते थे लोग बाय नाव या कश्ती या होड़ी जो भी छोटी सी। बाद में वहाँ पे अच्छा खासा बड़ा ब्रिज बनाया गया है। ये जोग नदी जो है ये अरबियन सी में आके मिलती है, और वो उसका जो क्रीक है वो वही अंदारला कहलाता है। अब इसको कड़ावरचा गणपति क्यों कहते हैं? कड़ा यानी टेकड़ी को कहते हैं, जो छोटा हिल होता है, समंदर, समंदर से ऊपर हिली एरिया, और उसके ऊपर जो अपना टेकड़ी है, टेकड़ी पे बना है ये मंदिर, इसलिए इसको कहते हैं कड़ावरचा गणपति। पहले इसी मंदिर लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसको पक्का बनाया गया लाल पत्थरों से वगैरह, और फिर मार्बल का इस्तेमाल किया गया। 1630 यानी 1630 से ये मंदिर जो है वहाँ की लोकल फैमिली है नित सुरे इस घराने के अंडर में इनका पूरा मैनेजमेंट है। पानी इतिहास के मुताबिक कहा जाए तो ये मंदिर पहले समंदरी किनारे पे था, लेकिन पानी का लेवल बढ़ते गया, जिसकी वजह से मंदिर के लिखा अवशेष या कुछ ढांचा या उसका फाउंडेशन वही बचा हुआ है। जब ये होता है लो टाइड तब दिखाई देता है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। उसके बाद 1768 से 1780 के बीच में इसको वहाँ से हटा के एक टेकड़ी पर ये मंदिर को बनाया गया, और 1980 में इस मंदिर का फाउंडेशन डे यानी 200 साल जो कंप्लीट हुए उसकी 200 एनिवर्सरी ये 1980 में सेलिब्रेट की गई। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब स्टेट से या लोकल मुंबई से, पूना से, अदर जगह से बहुत सारे जायरीन आते हैं वहाँ पे मंदिर के दर्शन के लिए। तो हमारे हिंदू भाइयों की नज़र में उनके लिए बहुत ही मोतबर और बहुत ही रिस्पेक्टिव, और उनकी जो श्रद्धाएं जो हैं उनके हिसाब से इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल आपको दीदार करा दूँ मंदिर का, और बहुत अच्छा मतलब इसको बनाया गया है। इसके ऊपर घूमट या गुंबद भी बनाए गए हैं, ऊपर कलश भी है और जिसको कलश कहा जाता है, और बहुत अच्छा हाइट देखिए वाइट तरह इसको बनाया गया है। आसपास में रहने के लिए होटलें भी हैं, तो वहाँ खाने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है। अंदारला हो, हरने हो, मुर्डे हो, करदे हो, टूरिस्ट प्लेस है, तो पहाड़ों पे भी होटलें हैं, रहने का और खाने का कोई मसला नहीं है। इस पहाड़ी से समुंदर का जो सीन है और आसपास की ग्रीनरी, छोटे बड़े पहाड़, और ये पहाड़ के मतलब ये टिकड़ी पे ही मंदिर बना हुआ है, तो बहुत ही आसपास का इलाका बड़ा ही खूबसूरत वहाँ का नज़ारा आपको दिखाई देगा। आप कहीं खो जाएंगे ऐसा लगता है कि पूरा टेंशन भुला देने के लिए इन पहाड़ों में, इन वादियों में और ऐसे समंदर किनारे पे आना चाहिए। मंदिर के गेट के मेन एंट्रेंस के सामने छोटे छोटे दुकान वाले भी स्टॉल लगाए हुए हैं टेम्पररी शेड में, उनसे भी आके सामान खरीदिए ताकि लोकल लोगों को सपोर्ट मिले, लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमने वहाँ भी विज़िट किया है और आपको दिखाएंगे, उनसे मिलाएंगे कि कैसी कैसी चीज़ें बेचते हैं, वो भी देखिए आपको मज़ा आएगा। ये लोकल प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स हैं यहाँ पे, हमने विज़िट किया, अच्छी चीज़ें मतलब घर की बनी हुई मिल जाती है, पापड़ वगैरह हो, अदर चीज़ें जो हैं, कोकम है, कोकम की शरबत है,
आम रस जो सुखाया हुआ वगैरह। बहुत सारी होममेड चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। घरगुती वस्तू आहेत ना, मग ते लोकांना बघू द्या, स्थानिक लोकांचं प्रोडक्शन घ्यायला पाहिजे ना। सगळे घरगुतीच आहेत ना, घरी बनवलेलं ना, बहुतेक घरी आहेत, पापड वगैरे। जांभूळ सरबत, वा बहुत अच्छा बना है। ही कशी दिली? 300 वाली 10 रुपये एक घेतो मी। थैंक यू। तुमचं नाव काय आहे? मंगेश। मंगेश भाई, मंगेश काका। हमने वेस्ट थाली मंगाई है और वेस्ट थाली दोपहर में खाएंगे तो आराम से, हेवी नहीं रहेगा। ये अंजाड़े से निकल के, अंजाड़े बीच से हम लोग निकल के वेस्ट थाली खाए, अभी यहाँ से हरने पे जाएंगे।